नमस्कार, जय गणेश। ऑल डियर फ्रेंड, आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है मिथुन राशि के लिए। वायु तत्व की 3 नंबर की राशि मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट अक्टूबर का दीपावली का महीना कैसा फल देने वाला होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे आपके जो राशि के अधिपति ग्रह हैं बुध ग्रह की ट्रांजिट से। बुध का भ्रमण सुख स्थान के अंदर है, चतुर्थ भाव के अंदर है, जो बहुत शुभ फल देने वाले हैं। बुध चौथे स्थान में, ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स के सुख स्थान के अंदर जो बुध होते हैं ये महाधनवान योग क्रिएट करते हैं। तो जो कि आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ करवा सकते हैं। मेन एनर्जी सूर्य ग्रह जो है वो भी सुख स्थान के अंदर है, चौथे स्थान के अंदर है। 17 अक्टूबर 2022 तक सूर्य आपके सुख स्थान के अंदर है, जो सुख की अनुभूति आपको नहीं करने देंगे। रिलेशन में थोड़ा सा माता पिता, जॉब में अपर लेवल और विवाहित जो जातक है इनको अपने इन लॉस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ये सेक्टर के अंदर इसका केयर करना होगा। 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, इसको बोलेंगे तुला संक्रांति। तुला राशि में सूर्य जाने वाले हैं। संक्रांति का जो पुण्यकाल है ये शाम को रहेगा, दोपहर में 1:30 से लेकर 1:30 बजे से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगा 17 तारीख को, क्योंकि सूर्य रात शाम को राशि परिवर्तन करते हैं। शाम को 7:24 को सूर्य तुला राशि में चलेंगे, तो यहाँ पर पांचवें स्थान में सूर्य अपनी नीच राशि के अंदर होंगे, जिसके चलते हुए जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के कार्य करने वाले जातक हैं इनको थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पांचवें स्थान में ग्रहण योग भी बनने वाला है और ग्रहण के इम्पैक्ट के अंदर, और वैसे भी जो सूर्य ग्रहण होने वाला है तो सूर्य ग्रहण का भी इफेक्ट है वो पंचम स्थान में होगा, तो पांचवें स्थान में सूर्य ग्रहण का भी फल आपके लिए शुभ नहीं है। खास करके जैसे बताया कि शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए तो बिल्कुल शुभ नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको अपने संतानों के साथ रिलेशन में केयर करना होगा। विद्या अभ्यास पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो पांचवें स्थान में होने वाला ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं है, और सैटर्न जो कि 8वें स्थान में चल रहे हैं जो भी बिजनेस और करियर को धीमी गति से आगे बढ़ाने वाले हैं। महत्वपूर्ण ट्रांजिट इस मंथ के अंदर मंगल का 12वें स्थान में चलना और 16 अक्टूबर से मंगल आपकी राशि के अंदर चलेंगे, जो कि बुध की राशि में मंगल चलेंगे, ये शत्रु क्षेत्री मंगल हैं, कंफर्ट जोन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मंगल के लिए ये राशि कंफर्टेबल नहीं है। मंगल मिथुन राशि के अंदर ज़बरदस्त फायरिंग इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट के अंदर जो भी जातक विवाहित है इनको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भारी तनाव क्रिएट हो सकता है। राहु आपके लाभ स्थान के अंदर हैं, केतु आपके पंचम स्थान के अंदर हैं, और जो लव मैटर की कारक शुक्र हैं वो 24 सितंबर से कन्या राशि में भ्रमण करने वाले हैं। वो 18 अक्टूबर तक कन्या में सुख स्थान में शुक्र चलेंगे, जो कि आपके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के अंदर वृद्धि करने वाले होंगे। और 18 अक्टूबर को जो शुक्र है ये आपकी राशि से पंचम स्थान में चलेंगे, जो को आपके लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। तो ये ग्रहों का जो भ्रमण है, और चौथा आठवां बारहवां जो चंद्रा है ये आपको इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको इस मंथ के अंदर 8वां चंद्र में से पास होना होगा,
पास होना होगा, जो डेट रहेगी 3, 4, 5, 6, जिसमें चंद्र चलेंगे मकर राशि में शनि के साथ। तो अष्टम चंद्र में आपको पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद आपको डेट केयर करना है 12, 13, 14, 15, जिसमें चंद्र वृषभ राशि में चलेंगे, वो भी 12वां चंद्र है, इसमें भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और 24, 25, 26, जिसमें चंद्र चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, सुख स्थान के अंदर भी चंद्र का फल शुभ नहीं माना जाता है, तो इस तारीखों के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके जन्म के सूर्य भी मिथुन राशि के अंदर हैं, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मिथुन राशि में हैं, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में।